नमस्कार दोस्तों, ईआर इंफ्रा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा और इसी के साथ इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बेंगलोर टू चेन्नई का ट्रैवल टाइम घटकर 6 आवर से 2.5 आवर तक हो जाएगा। साथ ही में यह पहला एक्सप्रेसवे है जिसको डाउनग्रेड किया गया है, जिसको 8 लेन से रिड्यूस कर 4 लेन तक का किया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहे दोस्तों, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। साउथ इंडिया के दो सबसे बड़े शहर बेंगलोर और चेन्नई के बीच 262 किलोमीटर का बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे बन रहा है। प्रेजेंट में जो एग्जिस्टिंग हाईवे है बेंगलोर टू चेन्नई के बीच, उसकी टोटल लेंथ 326 किलोमीटर है। अभी इन दोनों सिटीज़ का ट्रेवल टाइम 6 से 8 आवर्स तक का है, लेकिन बन रहे एक्सप्रेसवे के बदौलत ये टाइम रिड्यूस होके 2.5 से 3 आवर्स तक हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे व्हीकल की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर तक की होगी। यह एक्सप्रेसवे बेंगलोर के होस्कोटे से स्टार्ट होगा और चेन्नई के श्रीपरंबदूर में जाके ख़त्म होगा। स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाने का प्रपोजल था, बट इसे डाउनग्रेड करके 4 लेन का बनाया जाएगा। NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेसवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2012 में तैयार की गई थी, और अभी प्रेजेंट में बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक लोड, या फिर कह सकते हैं जो ट्रैफिक डेंसिटी है, वो 75,000 व्हीकल्स पर डे की है, और ये फुल कैपेसिटी से ऑपरेशनल है। चेन्नई बेंगलोर हाईवे पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए और इंडस्ट्रियल डिमांड को देखते हुए फास्टर कनेक्टिविटी के लिए बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नाम NH7 होगा। अभी इनिशियली इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 8 लेन के हिसाब से बनाया गया है ताकि फ्यूचर में आसानी से इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सके। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है, वो है 17,000 करोड़ रुपीज़। ये एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, जो कि हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रेजेंट में तीनों स्टेट्स में लैंड एक्विजिशन फाइनल स्टेज में है, और यह एक्सप्रेसवे कर्नाटका में 72 किलोमीटर का होगा, और इसके लिए कर्नाटका में 873 हेक्टेयर लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, जबकि आंध्र प्रदेश में यह एक्सप्रेसवे 85 किलोमीटर का होगा, जिसके लिए आंध्र प्रदेश में 918 हेक्टेयर ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी तरह तमिलनाडु में इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 106 किलोमीटर की होगी, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तमिलनाडु में 934 हेक्टेयर ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2018 में इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो चुका था, और लास्ट ईयर नवंबर 2020 में इस एक्सप्रेसवे का टेंडर निकाला गया था कंस्ट्रक्शन के लिए। इस एक्सप्रेसवे को 3 फेजेस में बनाया जाएगा, और लगभग हर फेज के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं। कोविड के चलते इसका फाउंडेशन स्टोन अभी तक नहीं रखा गया है, लेकिन कोविड के असर कम होते ही इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के 24 मंथ्स के अंदर, मतलब कि 2 ईयर्स के अंदर, ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने का टारगेट है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बेटर कनेक्टिविटी के साथ साथ डेवलपमेंट के भी काफ़ी अवसर खुल जाएंगे। साथ ही में 2 मेट्रो सिटीज़ का ट्रेवल टाइम 6 आवर से घटकर 2.5 आवर्स तक हो जाएगा। इसी के साथ टाइम तो बचेगा ही, साथ ही में फ्यूल की भी काफ़ी बचत होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।